लेटस ट्राई टू डू एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ नाउ वी विल हैव एन इन पैरामीटर एंड आउट पैरामीटर द रिटर्न वैल्यू सो ये एग्जांपल बेसिकली जो हमने इससे पहले एग्जांपल हमने डिस्कस किया है उसी को मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूं ताकि आपका कॉन्टेक्ट्स बिल्ट हुआ हुआ है जो इससे पहले वाली एग्जाम्पल थी उसके अंदर हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया था इन और एक ही वैल्यू हमें रिटर्न हो रही थी अब हम जो तो फंक्शन लिखने जा रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो तो एक ही होगी लेकिन अब हमें जितनी वैल्यूज रिटर्न होंगी वो दो होंगी सो लेट्स सी एट द एग्जांपल एग्जांपल को देखते हैं एंड देन वी विल सी के हाउ इट वर्क अब जो ये फंक्शन है ये फंक्शन की डेफिनेशन या जो फंक्शन की एग्जीक्यूशन uh, है वो मोर लेस सेम ही है विद वन एक्सेप्शन लुक एट द डेफिनेशन क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन आज अंडर सैलरी फंक्शन का नाम वही है एम पंडर्स को नंबर इन ये एक पैरामीटर टाइप है यानी एक पैरामीटर मैंने पास किया एम पंडोस को नंबर नाउ लुक हेयर मैं इसके अंदर अब एम्प्लॉय नेम नेम ई एम भी पास कर रहा हूं और इसकी टाइप है आउट नाउ इस आउट को आपने कंफ्यूज नहीं करना रिटर्न से यानी इसके अंदर अब दो पैरामीटर बेसिकली इस ये जो ये जो फंक्शन है इसके अंदर दो पैरामीटर हैं एक पैरामीटर टाइप है इन और एक पैरामीटर टाइप है आउट यानी ये एक नोमेरिक वैल्यू रिसीव करेगा और एक करेक्टर टाइप यानी वेर टू टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि इसकी पैरामीटर टाइप है आउट और दूसरी इसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो है नंबर और क्योंकि ये रिटर्न की वजह से है तो इस आउट पैरामीटर की वजह से अभी जो फंक्शन है अब नाउ इट इज रिटर्निंग इफेक्टिवली टू वैल्यूज जो पहली वैल्यू है वो एम को नेम में हमें कॉपी हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू है वो एक नोमेरिक वैल्यू होगी जो इस फंक्शन ने पास जो इस फंक्शन ने रिटर्न रिटर्न करनी है टू द कॉलिंग एनवायरमेंट तो अगर मैं इसको समअप करूं एक वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे एज अ पैरामीटर जिसकी जिसकी पैरामीटर टाइप इन होगी और दो वैल्यूज ये फंक्शन एक्चुअली रिटर्न कर रहा होगा यानी एक होगा आउट वाला आउट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और एक वैल्यू होगी हमारे पास रिटर्न यानी एक नोमेरिक वैल्यू एक वैच टू टाइप वैल्यू चीज हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते स्पेशली पैस, सी में तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि ऐसा फंक्शन हम नहीं लिख सकते जो दो वैल्यूज सेपरेटली रिटर्न करे यानी जो पहली वैल्यू है उसकी डेटा टाइप है टू और जो दूसरी वैल्यू है उसकी डेटा टाइप है नंबर अगर सी में फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी भी है तो एटमोस्ट हम एक एरे रिटर्न करवा सकते हैं अब एरे में डेटा टाइप एक ही होती है यानी आप एरे ऑफ करेक्टर हो सकता है एरे ऑफ नंबर हो सकता है मल्टीपल डेटा टाइप नहीं हो सकती अब यहां हम देखें हमने क्या किया एक वैल्यू की डेटा टाइप है to, यानि name, और इफेक्टिवली so हम मल्टीपल वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं सो नाउ कम टू बॉडी ऑफ द फंक्शन द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज मोर लेस द सेम विद वन एक्सेप्शन मैंने पहले एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया एम्पंडोर मैं लिखा सिलेक्ट सेल कॉमा नेम यानी मैं मैंने एक और कॉलम मैंने यानी मैंने कॉल कर लिया फ्रॉम द टेबल इन टू माई लोकल वेरिएबल एम पंड्रस्को मेरा लोकल वेरिएबल है यानी ये वाला वेरिएबल एंड एम पंड्रस्को नेम इज माई वेरिएबल जिसमें मैंने वैल्यू राइट बैक करवानी है यानी आउट वेरिएबल है ये ये मेरा लोकल वेरिएबल नहीं है एम पंड्रसको नेम इज नॉट माई लोकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल ये फंक्शन प्रोटोटाइप में जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है उसके अंदर मैंने वैल्यू कॉपी करवा दी है तो ये एम पंडरस को सेल एंड एम को नेम ये दो वैल्यूज़ इफेक्टिवली ये फंक्शन रिटर्न करेगा फ्रॉम ई एम पी नंबर इक्वल टू एम्प नंबर ये एम्प नंबर मेरा ये पैरामीटर है रिटर्न एम्पंड सेल अब एम पंडरस को सेल रिटर्न कर रहा है ये वाली वैल्यू को दिस इज वन रिटर्न वैल्यू और एम पंडरस को नेम मैंने कॉपी कर दिया है एम को नेम वाले वेरिएबल में जो पैरामीटर में मैंने पास किया था क्योंकि की जो वेरिएबल टाइप टाइप थी 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 या पैरामीटर वो out थी, तो इफेक्टिवली इफेक्टिवली ये वैल्यू इसमें राइट बैक हो गई तो हम ये कह सकते हैं एम विल गेट एट द टाइम ऑफ माई कॉलिंग ऑफ दैट फंक्शन लेट सी हाउ वी विल कॉल दिस फंक्शन फंक्शन को कॉल करना इट्स वेरी सिंपल मैंने दो वेरियबल डिक्लेयर किए नाउ दिस इज द सेपरेट पीएलएस ब्लॉक एक अलग मैंने पीएलएस ब्लॉक लिख दिया दो वेरियबल डिक्लेयर कर दिए सैलरी एंड एम्प को नेम तो नाउ लुक एट द कॉल मैं को कॉल कैसे करूं लुक एयर आस्क अंडर्सो सैलरी ब्रैकेट में सेवन थ्री सिक्स नाइन दिस विल गो टू द फर्स्ट पैरामीटर एंड एम्प अंडर्स को नेम इसमें वेल्यू ने रिसीव होना है क्योंकि ये आउट वेरिएबल है ये आउटपुट में मुझे वैल्यू आएगी फ्रॉम दिस फंक्शन और जो सैलरी है ये इस फंक्शन ने नोमेरिक वैल्यू जो रिटर्न करनी थी वो मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे नाउ आई एम डिस्प्लेइंग दीज टू वैल्यूज विच आई कैन नाउ मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ इसकी बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन कर सकता हूँ एंड सो ऑन सो लेट्स लेट्स ट्राई टू डू एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम कोड सो हेयर आई एम इन मै एडिटर पहले मैं पहले वाला कोड कोडर रिमूव कर दूँ ताकि कोई क्लटरिंग ना हो और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया सो लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस डेफिनेशन हेयर ये पहली मैंने फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी कर ली एंड नाउ लेट मी ट्राई टू कंपाइल इट मैं इसे कंपाइल करता हूँ एंड लेट सी के हाउ इट बिहेव ये फंक्शन बेसिकली अब क्रिएट हो गया इफ नाओ दिस फंक्शन इज़ क्रिएटेड एंड व्हेन आई विल गो अब मैं ये दूसरी जो कॉलिंग ऑफ फंक्शन है मैं इसको यहाँ पे आई विल ट्राई टू कॉल द सेम फंक्शन मैं इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ एंड देन लेट सी वॉट विल हैपन मैंने इस फंक्शन को कॉल किया एंड लेट सी सो अब मैंने इसको कॉल किया तो नाउ आई शुड गेट ओके अब मुझे आ रहा है वैल्यू सेवन फोर सेवन जीरो फोर सेवन जीरो वन एट ये सैलरी है दिस इज दिस सैलरी एन एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू स्मिथ और स्मिथ को मैंने दो मतबा डिस्प्ले करवा दिया है क्योंकि एक मरतबा इधर है और एक मरतबा सेवन ये दूसरे वाले वेरिएबल में डिस्प्ले करवा दिए सो दिस दिस मीन के मेरा फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है और मुझे दो वैल्यूज एक्चुअली रिटर्न हो गई हैं फ्रॉम दिस फंक्शन सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहां पे मैं एक वैल्यू पास करूंगा और मल्टीपल वैल्यूज मुझे फंक्शन से रिटर्न हो रही हैं